मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सवाल क्योंकि देश से जुड़ा हुआ है, मैं जरूर, मैं इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री एक दमदार प्रधानमंत्री हैं, देश को चलाने का में सक्षम है, लेकिन कुछ फैसले वो बिना मतलब से सो कॉल्ड ले लेते हैं, कभी आधार कार्ड को लिंक करना बैंकों से, कभी पैसे ये जो नोटबंदी कर देना, इनकी जरूरत नहीं है। टेररिज्म को समाप्त करें, पहले एक काम करते, टेररिज्म को समाप्त करते, ताकि लोग, आज जो उनका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहा है 56 इंची का सीना कहाँ है, ये ना उठता। तो मैं ये चाहूंगा मोदी जी कि आप 2019 में भी आप प्रधानमंत्री बनो, लेकिन उससे पहले आपके पास टाइम है, एक साल आपके पास टाइम है, आप 370 खत्म करके दिखाओ, राम मंदिर का निर्माण करके दिखाओ, और आप वहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके दिखाओ, ताकि 2019 में आपको 2014 से भी बड़ा मैंडेट मिले। आप सक्षम हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके अंदर देशभक्ति की क्वालिटी है। खाली गुजरात के अंदर सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने से मैं सल्यूट करता हूं। मेरा ही फ्रंट था जिसने गुजरात में जाके कहा था कि देश में दूसरा जो है सरदार पटेल जनमान मोदी के रूप में, लेकिन आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि सरदार पटेल के गुण नहीं है। मोदी जी 2019 से पहले सरदार पटेल वाले गुण पैदा करें, ताकि 2019 में फिर वो देश का मजबूती से नेतृत्व कर सके। हमारा फ्रंट भी ये चाहता है, अगर मोदी जी इसी ईयर में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, तो मैं मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में प्रचार करूंगा मोदी जी के हक में। हालांकि मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन राष्ट्रहित में मैं मोदी के लिए काम करूंगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।